हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रवि सुकुमार। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में आप लोग जो है से प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म और राइट द सक्सेसर, प्रीडिसेसर, काउंटिंग्स बाय टूज, थ्रीज, 20, 50, है ना। पिछले लेसन में, प्रीवियस लेसन में हम लोग ने पढ़ा था, लेकिन नंबर लेसन 4 में आज जो है वो हमें पढ़ना है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं की तुलना। ठीक है ना, संख्याओं की तुलना करना है। कि संख्याओं की तुलना कैसे करना है कि हमें ये देखना है कि इन संख्याओं में, इन नंबरों में कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर लेस है, और इसमें हमें पढ़ना है ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं को क्रम में रखना, है ना। तो हमें ये ग्रेटर देन या लेस देन का मीनिंग आपको मालूम है, उसका मीनिंग क्या होता है। ग्रेटर देन मीन्स क्या, से बड़ा, और ग्रेटर देन मीन्स, लेस देन मीन्स क्या, से छोटा, है ना। आप लोग को प्रीवियस क्लासेस में भी बताया गया था, रिविजन क्लासेस चल रही थी उसमें भी मैंने बताया था आप लोग को। तो आप लोग जो है वो यहां पर पेयर्स में दिए हुए हैं, यानी कि जोड़े में दिए हुए हैं, टू नंबर्स है, लेकिन बट क्या है, उनके बिटवीन में प्लेस होल्डर है, और उस प्लेस होल्डर में आपको ये सिंबल राइट करनी है ना, सही सिंबल राइट करनी है कि आपका जो बनाया हुआ जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर सही हो। तो हमें ये देखना है कि 603 और 306 में कौन जो है वो बड़ा है। तो चलिए फर्स्ट नंबर हम लोग डिजिट से लेते हैं, तो 6 और 3, तो 6 और 3 में कौन सा जो डिजिट है वो ग्रेटर है, तो क्या होगा, तो ग्रेटर का सिंबल क्या होता है ऐसे, तो 6 greater than 3, है ना। 6 जो है वह 3 से क्या है, बड़ा है। अब इस प्रकार से क्वेश्चन होता 3 and 6, ठीक है, और यहाँ पर प्लेस होल्डर है, खाली स्थान है, तो इसका सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल क्या होता है, लेस देन। इसका मतलब क्या होगा कि 6 जो है वह 3 से क्या है, बड़ा है ना, और इसका क्या हुआ, 3 जो है वह 6 से छोटा है, यानी 6 greater than 3 और 3 less than 6। तो आपको यहां पर देखना है कि 603 है और 360 है, तो 603 और 360 में कौन सा नंबर जो है वह ग्रेटर है, कौन सा है, कौन सा होगा, 603, तो सिंबल क्या होगा, ग्रेटर देन, तो 603 greater than 360। सेकंड है आपका 203, है ना, 203 और प्लेस होल्डर 302, तो इसमें क्या होगा, 203 और प्लेस होल्डर 302, इसमें ग्रेटर होगा या लेस होगा, है ना। तो इसका क्या होगा कि 203 यानी कि सिंबल क्या होगा, लेस देन का होगा, 203 जो है वह 302 से लेस है ना इसका। तो आपको जो है इसी प्रकार से आपको जो क्वेश्चंस होंगे सिंबल्स राइट करने के लिए वो आपको बनाने होंगे, यानी कि आपको देखना है कि इसमें इन दोनों पेयर्स नंबरों में से कौन सा नंबर जो है वह ग्रेटर है, यानी कि बड़ा है। तो अगर बड़ा होगा तो जो हम लोग का अगर लेफ्ट साइड में है, तो अगर यदि लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड, है ना, थोड़ा सा इसको और क्लियर कर लेते हैं हम लोग। यहां पर हम देख रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वहां पर 603 है एंड 306 है, तो 603 जो है वह लेफ्ट साइड में है और राइट 360 जो है
वह क्या है राइट साइड में है, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट में हमें यह अंतर करना है कि कौन सा जो नंबर है वह ग्रेटर है। तो ग्रेटर जिधर होगा वह उसका सिंबल इस प्रकार से होगा ग्रेटर देन का, और इसका मतलब क्या होगा कि 603 जो है वह 360 से क्या है बड़ा है। सेकेंड में है 203 प्लेस होल्डर 302। यहां पर फिर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, और बीच में क्या है आपका प्लेस होल्डर है, बीच में क्या है आपका खाली स्थान है। इस प्लेस होल्डर में आपको राइट सिंबल जो है वह पुट करनी है, यानी कि सही जो चिन्ह है उसको क्या करना है यहाँ पर रखना है ना। तो यहां देखेंगे कि लेफ्ट साइड का जो नंबर है वह राइट साइड के नंबर से क्या है। अब इधर वाला क्या होगा, लेफ्ट साइड का जो नंबर है वह क्या है स्मॉल है, यानी कि लेस है, ठीक है। और ये क्या है, ये ग्रेटर है, यानी कि यहां पर ये जो है स्मॉल नंबर है और ये क्या है इससे लार्जेस्ट नंबर है, यानी कि बड़ा है ना। तो ये बड़ा नंबर है, ग्रेटर है। तो अब ये इसका जो हमें जो सिंबल पुट करना है, राइट करनी है, वह किस प्रकार राइट करनी है। तो जिधर जो नंबर होगा, जिस साइड में नंबर क्या होगा ग्रेटर होगा, उसी साइड में आपको क्या करना है, जो सिंबल होगा उसका जो फेस होना चाहिए वह उस तरफ ही होना चाहिए। तो फेस में इस तरफ हो गया है ना। इन दोनों में से 203 में से 3 एप्लेस होल्डर 302 में कौन सा जो है संख्या, कौन सा नंबर क्या है बड़ा है, तो 302। तो 302 का जो नंबर है उसी साइड में हमें क्या करना है, सिंबल का फेस राइट करना है। अब हमने तो सिंबल का फेस राइट कर दिया, लेकिन बट इन दोनों का जो मीनिंग होगा, इन दोनों का जो मीनिंग होगा, इन दोनों का जो अर्थ होगा, इन दोनों का सिंबल को जो लिखने का जो आइडिया है, तरीका है, वो क्या है अलग होगा, डिफरेंट होगा। यानी कि 603 क्या होगा ग्रेटर देन 360 है ना। इसका मतलब क्या होगा कि 603 जो है वह 360 से बड़ा है, और 203 लेस देन 302, यानी इसका मतलब क्या होगा 203 जो है वह 302 से छोटा है ना। सिंबल में लिखने का जो है तरीका है ना, ये देखिए दोनों का फेस जैसे एक ही जैसा लग रहा है ना, इसी प्रकार से। लेकिन हम जो लिखने का तरीका होता है, हमने कहा कि जिस तरफ जो संख्या क्या होगी ग्रेट होगी, बड़ा होगी, उसी प्रकार क्या करेंगे हम जो है उसका फेस करेंगे, बट इनका मीनिंग जो होगा वह डिफरेंसेस होगा, अर्थ जो होगा वह अलग होगा, है ना। तो आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन सर्कल द लार्जेस्ट नंबर, क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्कल द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर मीन समझ रहे हैं ना आप लोग, क्या लार्जेस्ट नंबर मीन्स, क्या लार्जेस्ट मीन्स बड़ी संख्या है ना। जो आपका पैटर्न में नंबर दिए हुए होंगे उन नंबरों में से आपको जो सबसे लार्ज नंबर होगा है ना, इन सर्कल द लार्जेस्ट नंबर है ना। क्या है कि आपका जो एक क्वेश्चन है उसमें पैटर्न टाइप का है और वो कंप्लीट है ना, अरेंज है, सजाया हुआ है, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो उससे कोई लेना देना नहीं है। वो आपको क्या करना है, जो नंबर होंगे उन नंबरों में से क्या करना है, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, वो ही उसमें क्या करना है आपको गोल घेर देना है, इनसर्कल कर देना है ना। तो इनसर्कल कर देना है, तो 3546, 4936, 5829,
आर 2194। अब आपका जो है क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस में फोर नंबर हैं, है ना। कितने नंबर है? फोर नंबर है, फोर नंबर है। तो इन फोर नंबरों में से आपको इंसर्कल करनी है, पहले चूज करनी है कि इसमें से सबसे लार्जेस्ट जो नंबर है वह कौन सा है। तो आपको क्वेश्चन देखने पर पता चल रहा होगा कि जो सबसे लार्जेस्ट जो नंबर है वह कौन सा है, कौन सा है। तो आपको पता चल रहा है ना ये कौन सा है, आपको बिल्कुल पता चल रहा है। लेकिन बट क्या आप तो है ना, इस प्रकार आपका जो है टीचिंग चल रही है तो इसलिए आपको आपकी आवाज मेरे तक मेरे पास नहीं आ पाएगी, इसलिए आपको मैं पूछ रहा हूँ। फिर आप उसका आंसर दें और क्या हो, मैं आप खुद ही देते चले जाएंगे जिससे आपको आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है वो पता चल रहा होगा। तो कौन सा है लार्जेस्ट नंबर? 5829। तीन को इंसर्कल कर दिए, या तो आप करें 5829, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी टू नंबर क्वेश्चंस में फाइव इस ग्रुप में है, तो 5-6 क्वेश्चंस है। इसे आप क्या करेंगे, अपने बुक के माध्यम से इसे मेक कर लेंगे, है ना। अब नेक्स्ट का एक क्वेश्चन से आपका सॉरी इन सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, इन सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। तो 5829, 3226, 4584, 2193 और 3129। ये आपके क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर आपको चूज करनी है, इंसर्कल करना है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। वही आंसर हो जाएगा, तो क्या करेंगे, तो आंसर के लिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसको क्वेश्चन में से चूज करेंगे तो 5829 है, 3226 है, 4584 है, नेक्स्ट आपका 20193 है और लास्ट आपका 3129 है। इस नंबरों में से आपको चूज करनी है कि आपका सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वह कौन सा है। तो कौन सा है स्मॉलेस्ट नंबर, तो आपको पता चल रहा होगा कि सबसे जो इस नंबर का जो है ना, ये फोर डिजिट का सारे नंबर है ना, फोर डिजिट का सारे नंबर है। तो फोर डिजिट में आपको लगे इसमें फाइव जो है नंबर है और फाइव नंबर्स है, तो इसमें से जो थाउजेंड के प्लेस पे है, उस थाउजेंड के प्लेस पे सबसे जो स्मॉलेस्ट डिजिट है वो कौन सा है, तो आपको पता चल रहा है इसमें फाइव है, इसमें थ्री है, इसमें फोर है, इसमें टू है, इसमें थ्री है, तो कौन सा है टू। तो आपको पता चल रहा है कि आपका आंसर क्या होगा, 2193। तो 2193 जो होगा वो आपका क्या होगा आंसर होगा, है ना। इसी प्रकार से आपको सारे में है ना, इसमें 5-6 क्वेश्चन से, और इसमें क्या करना है आपको इंसर्कल कर देना है जो सबसे लार्जेस्ट नंबर, सॉरी जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। प्रीवियस क्वेश्चन से मैंने बताया था कि आपका जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है उसे इंसर्कल करना है, यानी कि वही आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन से मैंने बताया क्वेश्चन से क्या करना है आपको, सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसे चूज करनी है और वही आपका आंसर होगा। और अब आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर है, फोर्थ नंबर में का क्या है, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर,
यानी कि आपको क्या करना है, आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है ना। तो बढ़ते क्रम में क्या गया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है ना, छोटा से बड़ा। तो क्वेश्चन है आपका 3042, 3,244, 6,224, 1,984। ये जो आपका है वो एग्जाम्पल के पर आपका क्वेश्चन है ना, इसे क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, सोल्व करना है। तो मैंने बताया था असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम है ना, यानी कि क्या करना है, इसे कैसे राइट करनी है, स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट है ना। तो स्मॉलेस्ट यानी कि छोटा से बड़ा में, तो इसमें देखेंगे कि जो आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन में 4 डिजिट के सारे नंबर है, क्योंकि 4 डिजिट का पढ़ा था, 4 डिजिट के सारे नंबर है, और 4 डिजिट के नंबर में हमें क्या करनी है, ये देखना है कि इसमें से कौन सा जो है वह सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, यानी कि छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है। तो इन क्वेश्चन से 3,402, 2,199, 5,444, नेक्स्ट है आपका 6,224 और लास्ट है 1,984। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो रहा है पता चल रहा है ना, कौन सा है, 1,984। अब इससे जो ग्रेटर है वो क्या है, कौन सा नंबर होगा, 2,199। अब नेक्स्ट क्या होगा, तो क्या होगा, 3,442 ना, गुड। अब क्या होगा, तो 5,444 और लास्ट आपका जो क्या है, तो सबसे ग्रेटर नंबर कौन है, 6,224। ये हो गया आपके आंसर, यानी कि ये क्या हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने बताया था क्या कि स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट यानी छोटी से बड़ा में है ना, छोटा से बड़ा में हमें राइट करना है, यानी कि सबसे जो पहले स्मॉल नंबर होगा उसे राइट करेंगे, फिर उससे जो ग्रेटर होगा उसे राइट करेंगे, फिर इसे जो ग्रेटर होगा इसे राइट करेंगे, फिर इसे जो ग्रेटर होगा इसे राइट करेंगे, फिर इसे जो ग्रेटर होगा उसे राइट करेंगे, और क्या होगा, जो लास्ट जो आपका ग्रेटर नंबर होगा वह लास्ट में रखा जाएगा और आपका क्या होगा, वही आपका आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन से हम आप आशा कर रहे हैं, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे है ना। तो नेक्स्ट है आपका असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग, अब है नेक्स्ट है जो डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो डिसेंडिंग में क्या होता है, लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट है ना, लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। अब क्या करना है, इसमें राइट करनी है कि सबसे जो लार्जेस्ट नंबर होगा है ना, उसको पहले राइट करेंगे। तो सबसे जो ग्रेटर नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, वो कौन सा है बताओ, कौन सा है, सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है वह कौन सा है, सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन सा है। तो आपको है ना देखने में पता चल रहा होगा कि सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 6,200 क्या है, 24। अब 6,224 से जो स्मॉलेस्ट नंबर है, इससे जो स्मॉलेस्ट नंबर है अब उसे चूज करनी है, फिर उसे राइट करनी है। तो कौन सा है, अब ये तो आपका हो गया 6,000 है ना। अब क्या है इसमें से, 1, 2, 3, 4 यानी 3,042, 2,199, 5,444 और 1,984 में से चूज करनी है, इससे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है, कौन सा है,
5444। फिर इससे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है 3042, और इससे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है 2199, और इससे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है 194, है ना। यानी कि आपको क्या करना है, इसे कैसे ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसे राइट करेंगे, तो ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, और उसमें क्या है स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, ये हो गया आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आपका हो गया। और आपको नेक्स्ट है राइट फोर थ्री डिजिट नंबर फ्रॉम बाय यूजिंग डिजिट्स 4, 0 एंड 7। तो आप जो है और भी जो फोर्स लेसन फोर में और भी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको अगले क्लासेस में पढ़ाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।